हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बिल्कुल ही एक अलग विषय लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। अलग विषय कहूँ तो एक रत्न से परिचय करवाना चाहता हूँ आपको, और इस रत्न का नाम है ब्लू जर्दन। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसका यही कलर होता है, लगे हाथ ये भी बताऊं कि हर स्टेट में उपलब्ध नहीं है, और इसके बारे में जानकारी भी बहुत कम लोगों को है। इसे आप एक बार यूं भी देख सकते हैं मेरी हथेली पे। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। ये ब्लू जर्कन दो ग्रहों का काम करता है, एक शुक्र को ठीक करता है, दूसरा शनि को ठीक करता है। यानी शुक्र और शनि दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन इस रत्न में पाया जाता है, दोनों ग्रहों को ये ठीक करता है। कुंडली में अगर शुक्र को और शनि को एक साथ ठीक करने की जरूरत पड़े अगर, तो ब्लू जर्कन धारण किया जा सकता है। और इस रत्न की खासियत ये है, क्योंकि ये हीरे और नीलम का सब्स्टिट्यूट है, इसलिए ये रत्न हार्मफुल भी नहीं है, बनिबस्त दूसरे रत्नों की तरह। फिर भी मीन लग्न में ब्लू जर्कन धारण करने की सलाह मैं नहीं देता। मैं ये लग्न वाइज आपको बताता हूं। उसके पहले एक बात और कहूं कि आपने वो सलमान खान के हाथ में वो देखा होगा फिरोजा, जिसके बारे में ज्यादातर यही प्रचार है कि वो कम्युनिकेशन के मामले में अच्छा है और कोई भी पहन सकता है उसको। ठीक है, वो भी गलत बात नहीं है। हालांकि फिरोजा के बारे में कहा जाता है कि बुध, शुक्र और शनि तीनों ग्रहों का काम करता है, तो वो भी ठीक है, लेकिन वो पॉपुलर हो गया क्योंकि सलमान खान ने हाथ में पहन लिया। ये ब्लू जर्कन उससे ज्यादा इफेक्टिव है, और मैं अपने पिछले 9 सालों से इस रत्न का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी लोगों को दे रहा हूँ। मैंने देना शुरू किया पिछले 8-9 साल से इसको, और ये जैसे कि मेष लग्न में इसको धारण किया जा सकता है कि शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश और शनि एकादशेश और दशमेश होता है। अब आप इसको कह सकते हैं कि शुक्र मारक है, शनि बाधक है, या मेष लग्न का शत्रु है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो मैं शुक्र मारक मेष लग्न में नहीं होता, वो तटस्थ हो जाता है। इसको समझने के लिए आपको ज्योतिष का बेसिक समझना होगा, क्योंकि कोई भी राशि अगर केंद्र की अधिपति बन जाती है तो वो तटस्थ रोल अपना लेती है, यानी वो शुभ और अशुभ दोनों नहीं रहती। हाँ, मेष लग्न में शुक्र फिर भी मारक का रोल अदा कर सकता है, उसके ऊपर अगर दूसरे पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो, ये लंबी विवेचना का विषय है। मेष लग्न के जातक इस ब्लू जर्कन को धारण कर सकते हैं, शुक्र और शनि दोनों को ठीक करना चाहे तो, क्योंकि नीलम और हीरा दोनों खरीदेंगे तो बहुत महंगा भी पड़ता है, तो उसके बदले में आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। वृष लग्न के जातक तो आंख मूंद के धारण कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र लग्नेश है और शनि नवमेश और दशमेश होता है। अगर शनि और शुक्र को ठीक करना है, दोनों को ठीक करना है, तो ब्लू जर्कन धारण किया जा सकता है। मिथुन लग्न में भी धारण किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं। शुक्र पंचमेश और मूल त्रिकोण की राशि शनि की जो है वो नवमेश होती है, धारण किया जा सकता है। कर्क लग्न में इसको धारण करने की सलाह मैं नहीं देता, कर्क लग्न में नहीं पहना जा सकता। पहना अगर जा भी सकता है तो वो फिर उसके लिए मुझे कुंडली देखनी होगी, वो डिपेंड करता है। अगर मैं कुछ मापदंड है उसमें, शुक्र और शनि की स्थिति अगर कुछ ऐसी है कि वो फायदा दिलाने वाली है तो, लेकिन फिर भी बड़ी सावधानी से कर्क लग्न में, कर्क लग्न के जातक ब्लू जर्कन को धारण ना करे तो बेहतर रहेगा नॉर्मल तरीके से। सिंह लग्न के जातक पहन सकते हैं इसको, शुक्र तृतीयेश और दशमेश होता है, और शनि की मूल त्रिकोण राशि जो है सप्तमेश होती है।
कर्क लग्न में इसलिए मना किया कि शनि की मूल त्रिकोण राशि अष्टम में है, तो कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा देता है, इसलिए अष्टमेश के फल को मजबूत किसी भी कुंडली में करना अच्छा नहीं होता। कन्या लग्न में पहन सकते हैं, कन्या लग्न में शुक्र लग्न का मित्र भी है और शनि पंचमेश भी है, हालांकि मूल त्रिकोण षष्ठेश है, लेकिन षष्ठेश अष्टमेश के जितना खतरनाक या अष्टमेश के जितना हार्मफुल नहीं होता, तो भी आप दिखा सकते हैं लेकिन पहन सकते हैं कन्या लग्न में, कोई समस्या वाली बात नहीं। क्योंकि सबसे पहली बात जो मैंने बता दी कि ये सब्स्टिट्यूट रत्न है, ये ज्यादा हार्मफुल नहीं है, यानी हार्मफुल नहीं है, फिर भी सावधानी के लिए कर्क लग्न और मीन लग्न को मैंने मना किया हुआ है। तुला लग्न में तो आप पहन ही सकते हैं क्योंकि शुक्र लग्नेश और शनि पंचमेश और चतुर्थेश है। वृश्चिक लग्न में भी इसको पहन सकते हैं, वो देखने के बाद शनि और शुक्र की, क्योंकि शुक्र द्वादशेश बन रहा है, लेकिन पहना जा सकता है, ज्यादा हार्मफुल वृश्चिक लग्न वाले को नहीं है। आपका धनु लग्न में भी इसको धारण किया जा सकता है, शुक्र एकादशेश है, शनि द्वितीयेश और तृतीयेश है, तो धनु लग्न में भी ब्लू जरकन धारण कर सकते हैं। मकर लग्न में कर ही सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कुंभ लग्न में कर सकते हैं, मीन लग्न में इसको अवॉइड करना है क्योंकि शुक्र अष्टमेश यहाँ बन रहा है। देखिए शुक्र अष्टमेश बन रहा है मीन लग्न में और शनि अष्टमेश बन रहा है कर्क लग्न में, इसलिए इन दो लग्नों को मैं अलग रख रहा हूँ इससे। अब मैं आता हूँ और एक बात, ब्लू जरकन फायदा क्या करता है। ब्लू जरकन का एक बहुत अच्छा फायदा मैंने ये देखा है कि अगर प्रेम संबंध टूट रहे हैं तो वो जुड़ जाते हैं, दाम्पत्य जीवन में अगर अशांति है तो वो ठीक हो जाती है, क्योंकि शुक्र प्रेम का मुख्य कारक है और ये शुक्र को ठीक करता है, बेसिकली जरकन है शुक्र को ठीक करता है, प्रेम वृद्धि का कारक है, आपस में बिगड़ते हुए संबंधों को ये ठीक कर देता है। तो जिस तरह फिरोजा इस्तेमाल किया जाता है उसी तरह ब्लू जरकन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है। और फायदा जो साइड का जो बताया मैंने, शनि और शुक्र को तो ठीक करता ही है, जिन भावों के लॉर्ड है शनि शुक्र उन भावों के तो फल को ठीक करता है, इसका इंडिविजुअल इफेक्ट जो है, इंडिविजुअल फायदा जो है इस रत्न का, वो है प्रेम संबंधों को ठीक कर देता है। दो जातकों में, पति पत्नी में या प्रेमी प्रेमिका में अगर सेपरेशन जैसी स्थिति आ रही है तो इस रत्न को धारण करके उस सेपरेशन को रोका जा सकता है, रुक जाता है, दिमाग जो है चेंज हो जाता है आदमी का। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाने के लिए यह रत्न बहुत बेहतर है। दाम्पत्य जीवन में अगर आनंद नहीं है, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में अगर अक्सर तकरार रहती है, तो ये रत्न आप धारण कर सकते हैं। इसे मैं चालू भाषा में मैजिकल स्टोन कहता हूँ, मैजिकल जेम्स कहता हूँ, ये वन काइंड ऑफ वैसा ही है, और ये मेरा अजमाया हुआ है, और मैंने जितने जातकों को दिया है 100 में 99% इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आया है। 1% किसी को अगर नहीं जचा, अच्छा नहीं लगा या कोई समस्या उसको समझ में, वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ये किसी को हार्म नहीं करता, हैम्पर्ड नहीं करता। तो इसको अगर आप धारण करेंगे जिन जिन लग्नों के बारे में बताया, तो उनके लिए अच्छा होगा। इसका कलर आप एक बार फिर देख लीजिए, ये तूतिया कलर का होता है, इसका यही कलर है, आप इस रत्न के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मुझे मेल कीजिएगा, मैं यहाँ इससे ज्यादा और नहीं बता सकता, और लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। बस आज यही कहने के लिए आया था आपके सामने, मिलते हैं फिर किसी और विषय को लेकर।